दोस्तों आसान मौत कैसे मरे, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। पर पहले ही बता दूं, मैं किसी को यहाँ मारने नहीं आया हूँ और ना ही मेरी बातों को सीरियस लेना। ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मेरा कोई भी मकसद नहीं है, समझ रहे हो आप। कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई हैं, मुझे पता है, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। कुछ लोग अलग अलग चीजें सोच रहे हैं, मरने की, ये कर लें चाहे वो कर लें। मैं उनको इन सब चीजों से बाहर निकालने की ट्रिक भी बताऊंगा कि आप डिप्रेशन से कैसे दूर रहें। और हाँ भाई, सुइसाइड के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, ये गैर कानूनी है और सबसे गलत चीज भी। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक बार google.com सिर्फ $12 में बिक गया था, यानी कि करीब 800-850 रुपए के आसपास सारा गूगल बिक गया था। क्यों, दिमाग के तोते उड़ गए ना। अगर आप पूरी बात सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि गूगल कैसे 800 रुपए में बिक गया। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में कितने बैक्टीरिया है? अगर उन सारे बैक्टीरिया को काउंट किया जाए तो क्या आपको पता है कि उनकी संख्या कितनी होगी? नहीं पता होगा ना, तो जानने के लिए बने रहे। दोस्तों आज मैं आपको इतना तगड़ा ज्ञान और नॉलेज बांटने वाला हूँ, एक ही चीज होगी वैसे तो, कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टैक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। चलो शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया से। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, प्लीज इस साल 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, विदाउट सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं। नीचे लाल वाला बटन है, कोई कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। चलो शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया से। दोस्तों हमारे बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया हैं, अगर उन्हें टोटल काउंट किया जाए फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो जो टोटल नंबर सामने आएगा वो इस दुनिया की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। बस पॉपुलेशन को देख लो कितनी है वर्ल्ड की और अंदाजा लगा लो। दोस्तों सोचो, आप डिनर कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पैकजग मार रहे हो और कोई बहन का दिन आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप चिढ़ जाओगे, वो तो सबको पता ही है। लास्ट वाले सेटअप टूर से भी तो चिढ़ गए थे, जोक का मतलब समझ में नहीं आता किसी को। लोग मुझे बुरा बोलते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है लोग उतना ही समझना चाहते हैं जितनी उनके अंदर समझ है। खैर छोड़ो। हाँ तो मैं बता रहा था कि आप चिढ़ जाओगे डिनर करते वक्त अगर आपको कोई डिस्टर्ब करे, चाहे कोई दरवाजा खटखटाए या कुछ करे, आवाजें वाजें करे, या बार बार फोन आना हो, या अर्थक्विक धरती हिल जाए। पर इस दुनिया में ऐसे भी कुछ महापुरुष हैं जो भूकंप को इंजॉय करते हैं और वो भी खाना ठूसते हुए। ऐसा कौन करता है भाई। चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप भी इस तरह का नजारा लेना चाहते हैं कि भूकंप में खाना खाया जाए, तो स्पेन में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है डिजास्टर कैफे, और अगर आप वहां डिनर करने जाओगे तो साले पकड़ के एक बंकर में ले जाते हैं और वहां पर आपको खाना खिलाते हैं, जो कि आपको डिनर करते वक्त 7.5 रेक्टर स्केल का भूकंप देगा। इतने तगड़े भूकंप में तो भाई कौन खाना खा सकता है। कई लोग तो इस रेस्टोरेंट में शांति से खाना भी नहीं खा सकते। मतलब आप जाइए स्पेन, उस रेस्टोरेंट में जाइए और वहां भूकंप के मजे लीजिए खाना खाते वक्त। नहीं। दोस्तों क्या आपको पता है, 29 सितंबर 2015 में google.com ने google.com डोमेन को सिर्फ $12 में एक्सीडेंटली बेच दिया था, और वो भी तब जब गूगल ने खुद डोमेन सर्विस स्टार्ट की थी। सन्मय वेद नाम का एक बंदा, जो कि एक गूगल एम्प्लॉय भी रह चुका था, तो उसने यूं ही मजे मजे में जब गूगल के डोमेन में google.com नाम का डोमेन सर्च किया तो google.com वहां अवेलेबल था, जिसे देखकर भाई की चक्रियां घूम गई। अरे यार google.com, वो भी $8 में, हो नो सॉरी $12, 800 रुपए इंडिया के। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। उसने सोचा शायद कोई एरर होगा, पर फिर भी भाई साहब ने मजे मजे में वहां पर अपना सब कुछ लगाया और पैसे भी कट गए और वो google.com का मालिक बन गया उस वक्त। और वो कुछ वक्त तक तो google.com का पूरा मालिक इस तरह से बना कि उसने भाई साहब ने गूगल में क्या आ रहा है, उसके सर्वर में कौन से ईमेल्स आ रहे हैं, सब कुछ पढ़ सकता था, सब कुछ एक्सेस कर सकता था, उसके पास सारी पावर आ गई थी। पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने गूगल को ये बता दिया कि भैया तुम्हारे अंदर ये कोई ग्लिच है, तो गूगल ने उसके $12 उसको वापस कर दिए और अपना डोमेन वापस ले लिया। उसके बाद गूगल ने उसको प्राइज मनी भी देने की कोशिश की, पर उसने लेने से मना कर दिया
उसने कहा मैं सिर्फ सीधा साधा बंदा हूँ, बिल्कुल अमृतपाल सिंह की तरह। उस गूगल एम्प्लॉय ने कहा कि अगर आप मुझे पैसा देना ही चाहते हो तो मुझे मत दो, एक एनजीओ को दे दो। वाह दोस्तों, क्या आपको पता है कि एंगोला की कैपिटल लोंडा, मतलब उस कैपिटल का नाम है लोंडा। एंगोला की कैपिटल लोंडा में एक लोंडा रहता था, मतलब रहता है, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डोमिंगो वाहिन। इस लोंडे की खासियत मैं क्या ही बताऊं, अगर बता दिया तो आपका जबड़ा खुला का खुला ही रह जाएगा, हो सकता है फट भी जाए। जी हाँ, इस भाई साहब के नाम है सबसे बड़ा मुंह होने का खिताब, मुंह होने का खिताब। इन भाई साहब ने कोका कोला का पूरा कैन अपने मुंह में डाला, वो भी एक बार नहीं, एक मिनट में 14 बार डाला बाहर निकाला, डाला बाहर निकाला। क्या आप में है ये टैलेंट? तो मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों का भी बोलता हूं कि साला हमारे पास भी बहुत तगड़े तगड़े टैलेंट है। ये टैलेंट तो सिर्फ लोंडा का लोंडा ही कर सकता है, दिल्ली का लोंडा नहीं। चलो अब बात करते हैं आसान मौत कैसे मरे। और आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लैटी शॉप को, जिसने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया। दोस्तों फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल आ चुकी है, जो इस 16 तारीख से शुरू हो रही है, और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको मिल रहे डिस्काउंट के अलावा भी एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा और आपके फोन की स्पेस भी बच जाएगी। एक बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है ऐप, उसका नाम है लैटी शॉप, जिससे आप लोग फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और आजियो जैसे 2000 स्टोर पर एक्स्ट्रा कैशबैक ले सकते हो। फोन में स्पेस बचाओ और ओनली लैटी शॉप चलाओ एंड एक्स्ट्रा कैशबैक पाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लैटी शॉप का जाइए और डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद जिस स्टोर से आपको शॉपिंग करनी है उसे सिलेक्ट करो, जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, लैटी शॉप आपको सीधा फ्लिपकार्ट पर ले जाएगा। अब आप नॉर्मली शॉपिंग कर सकते हो। आपका कैशबैक लैटी शॉप के माई अकाउंट के सेक्शन के अंदर 24 घंटे के अंदर जमा हो जाएगा, जिसे आप प्रोडक्ट के रिटर्न पीरियड ओवर होने पे यूपीआई से विड्रॉ कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर रिटर्न और कैंसिल करोगे तो आपका कैशबैक भी कैंसिल हो जाएगा। मैं पहले ही बता दूं, मैं यहाँ किसी को उकसाने या मरने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इंडिया में ये क्राइम है, सुसाइड करना एक क्राइम है, या सुसाइड करने को उकसाना। दोस्तों 2005 में एक मुद्दा उठा था इच्छा मृत्यु का, अगर जीना आपका अधिकार है तो मरना भी आपका अधिकार होना चाहिए, ऐसा ही कुछ मुद्दा उठा था। इच्छा मृत्यु को डॉक्टर्स यूथिनेशिया कहते हैं, और हमारे समाज की आसान भाषा में इसे आत्महत्या कहा जाता है, और मैं भी यही मानता हूं, मतलब खुद मरने की इच्छा, ये तो भाई सुसाइड ही है। दोस्तों इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है, पहली होती है एक्टिव यूथिनेशिया और दूसरी होती है पैसिव यूथिनेशिया। एक्टिव यूथिनेशिया की बात बाद में करेंगे, वो गैर कानूनी है इंडिया में, और मैं भी उसे बड़ा अजीब महसूस करता हूँ कि अब ये तो अजीब हो गया। पहले बात करते हैं पैसिव यूथिनेशिया की, जिसमें हम अपनी फैमिली की इच्छा के अनुसार मर सकते हैं विल साइन करके। दोस्तों सोचो अगर मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ हूँ और मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ, या मैं कोमा में हूँ और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए ही मैं जिंदा हूँ, तो मेरी फैमिली डॉक्टर्स को कह सकती है कि हमें इसकी ऐसी यानी कि मेरी हालत नहीं देखी जा सकती है, ऐसी हालत, तो इसे इस दुनिया से और इस दर्द से छुटकारा दे दो। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, वो सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो मेरे ऊपर लगे हुए हैं, जिससे मैं जिंदा हूं, जिस साइंस की वजह से मैं जिंदा हूं, उसे वो हटा देंगे, जिससे मैं मर जाऊंगा। अब बात करते हैं एक्टिव यूथिनेशिया की, जो कि हमारे देश में इलीगल है, गैर कानूनी है। एक्टिव यूथिनेशिया में होता क्या है, उसमें हम अपनी खुद की मर्जी से मर सकते हैं, उसमें परिवार वालों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब मैं खुद डॉक्टर को कह सकता हूं और मैं मर सकता हूं, वो भी एक डॉक्टर की सहायता से, और वो भी कोई ऐसी वैसी मौत नहीं कि मैं सोच रहा हूं अरे यार जिंदगी बड़ी बोरिंग चल रही है, तो डॉक्टर के पास चलते हैं और डॉक्टर से कहते हैं ए भाई मुझे इस जिंदगी से छुटकारा दे दे, अरे झंझट बहुत है जिंदगी में, लगाओ कोई ऐसा इंजेक्शन जिससे मौत भी हो जाए और दर्द भी ना हो। अगर आप ऐसी सोच लेकर डॉक्टर के पास जाओगे तो आप पिछवाड़े पे लात खा के आओगे। दोस्तों एक्टिव यूथिनेशिया आप अपने ऊपर तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आप एक ऐसी बीमारी से गुजर रहे हो जिसका कोई भी इलाज ना हो और आप बहुत ज्यादा दर्द में हो, तो आप खुद डॉक्टर को ये कह सकते हो कि मुझे मार डालो। इसमें फैमिली का कोई भी लेना देना नहीं होता है, फैमिली की परमिशन ली जाए या ना ली जाए, बट मरीज की ली जाएगी। बट एक देश है जिसका नाम है नीदरलैंड, उसमें इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वहां डॉक्टर खुद डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को यूथिनेशिया देना है या नहीं। डॉक्टर जब श्योर हो जाते हैं कि इस बंदे का कोई भी इलाज नहीं है, तो वो उधर ही उसे टपका देते हैं। इस प्रकार की मृत्यु को कहा जाता है इनवॉलंटरी यूथिनेशिया। अब मेरे ओपिनियन गाइस, यूथिनेशिया उनके लिए बिल्कुल सही है जो बहुत ज्यादा दर्द में है, जिनका कोई भी इलाज ना हो, या फिर जो लोग बूढ़े हो चुके हैं पर उनके कोई भी बच्चा ना हो जो उन्हें संभाल सके, उनकी केयर कर सके। ये मुद्दा भी कुछ बुजुर्गों ने उठाया था कि हमारा कोई भी बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं हुआ,
तो हमारी कौन हेल्प करेगा जब हम बेड पे लेटे होंगे। उन्होंने साफ साफ सरकार को कहा कि हमें भी यूथनेसिया इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। चलो यहाँ पर तो ठीक है, बाग में दम है, बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। अगर ये नॉर्मली हर इंसान पर अप्लाई कर दिया जाए तो सुसाइड वाले केस में जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं तो वो डॉक्टरों के पास जाएंगे और सीधा कहेंगे कि भैया दो इंजेक्शन कुछ ना कुछ और हमें मार दो, मुझे कोई आसान मौत मार दो। तो फिर लोग उसे सुसाइड नहीं बल्कि यूथिनेसिया कहेंगे। सुसाइड नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा डिक्शनरी से, यानी कि आत्महत्या नाम का शब्द गायब और इच्छा मृत्यु ऑन, जो कि एक क्राइम है बहुत ही ज्यादा बड़ा मेरे हिसाब से क्या सबके हिसाब से। पर फिर वो क्राइम होते हुए भी लीगल होगा। इन 2-4 महीनों के अंदर ऐसे कई केसेस आए हैं कि लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि आसान मौत कैसे मरे फलाना ढिमकाना। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, शर्म कर लो कुछ, आत्महत्या करके कोई अवार्ड नहीं दे देगा आपको। ऐसे बहुत से लोग थे जो डिप्रेशन के कारण आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे, पर उनकी जिंदगी आज फर्स्ट क्लास है। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, ये दिन भी गुजर जाएंगे, बस थोड़ा सबर करो। अगर आप जिंदगी से ज्यादा ही बोर हो चुके हो तो हमारे चैनल पर इतनी मजेदार वीडियोस पड़ी हैं जिन्हें आप अपने अच्छे और बुरे दिनों में भी देख सकते हो। खुशियां बांटो, अपनी फैमिली के साथ रहो, अपने मम्मी पापा से बातें करो, क्योंकि जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई है, पर आपको टूटना नहीं है, मजबूत रहना है, क्योंकि ये दिन भी गुजर जाएंगे। वो कहते हैं ना कि टेंशन उतनी ही लो जितनी जरूरी है, ज्यादा सोचोगे तो दिमाग का बंबू बन जाएगा। चलो आज मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूँ, लास्ट वीडियो में नहीं पूछा था, पर उससे पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक्स, जो कि मुझे पता है कि आप नहीं करोगे आजकल, तो चलो। तो ये रहा सवाल, आ जाओ जीनियस बंदे। हमारी धरती पर रहने वाली गाय गौ माता दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, तो मुझे बताइए पृथ्वी पर ऐसा क्या है जो दूध और अंडा दोनों देते हैं। मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया भी था कि ये चीज दूध और अंडा दोनों देती है, पर इसके अलावा बताओ। वैसे मैंने इसका जवाब इंस्टाग्राम की एक फोटो या वीडियो होगी उसके ऊपर दे दिया है, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। ये रहा यूजर नेम, पर मैं चाहता हूं कि आप उससे पहले यहीं पर अपना ट्राई कीजिए, दिमाग चलाइए, दोबारा सुनिए, आपको शायद पता चल जाएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर तो है ही, जाकर आप आराम से देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, लाइक स्किप करता हूं, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल पे और कहीं नहीं। दोस्तों दिवाली की जो भी शॉपिंग है वो लैटी शॉप से इस सेल में कर लो, बहुत फायदा होने वाला है। आपको 7 दिन के लिए प्रीमियम अकाउंट भी दे रहे हैं, इसमें कैशबैक 30% बढ़कर मिलेगा। जाओ ऐप डाउनलोड करो और सेल के मजे उठाओ। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।